ब्लास्ट हो गया है। देर रात पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। अमरोहा के थाना गजरौला के अलीपुरा इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। धमाके से फैक्ट्री के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमरोहा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। देर रात ये ब्लास्ट हुआ है। अमरोहा के थाना गजरौला के अलीपुरा इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। कई लोग हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। फैक्ट्री के वहां पर परखच्चे उड़ गए हैं, ये जानकारी आ रही है। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री जहां पर ब्लास्ट, और ब्लास्ट के बाद क्या है हालात वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। थाना गजरौला के अलीपुरा इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। अफसर अली हमारे संवाददाता अमरोहा से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, जानकारी लेंगे उनसे। अफसर, पटाखा फैक्ट्री में ये आग लगी, कब ये धमाका हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी दें, इसके साथ साथ कितने लोग घायल हैं, कितनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पूरी अपडेट दें। देखिए पूरा मामला अमरोहा के थाना गजरौला के अलीपुरा का है, और ये अवैध पटाखा फैक्ट्री जो है ये हाल फिलहाल में ही गजरौला में संचालित की गई थी, क्योंकि इससे पहले ये हापुड़ में चल रही थी, और अभी हाल फिलहाल में ही फैक्ट्री यहाँ लगाई गई थी जिसमें पटाखे बनाने का कार्य किया जा रहा था। लेकिन गनीमत ये रही कि जो धमाका हुआ है वो देर रात 11 बजे हुआ है, क्योंकि अगर दिन में होता तो हो सकता था बड़ा हादसा होता, लेकिन जो फैक्ट्री में लोग थे, कर्मचारी थे, उनमें कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि मौके पर जो पुलिस प्रशासन पहुंचे हैं, SDM पहुंचे हैं, वो अवैध पटाखे के फैक्ट्री के जो है बिंदुवार जांच कर रहे हैं, जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। अफसर अली, क्या इसकी कोई जानकारी लग पा रही है, क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं ब्लास्ट इतना तेज हुआ है कि वहां पर सब कुछ तहस नहस है, सब कुछ तबाह हो चुका है। जी, जैसे अभी हाल में अवैध पटाखा फैक्ट्री ये जो संचालित की गई थी, इसका जो मेन जो मालिक है उसका भी अभी पता नहीं लग पाया है। जो धमाका था वो इतना खतरनाक था कि इलाके में जो है एक दहशत का माहौल बन गया था, क्योंकि धमाका इतना भयंकर था। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे पूरी जानकारी देने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।